हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डीप लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सभी सब्जेक्ट का लगभग रिजल्ट आ गया है, बहुत सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया है। मैं आप लोग को बताऊंगा डिटेल में, और फिर महत्वपूर्ण सूचना भी है। सो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोग का जो महत्वपूर्ण सूचना वो छूट ना जाए। एक स्टूडेंट ने कॉमेंट में बोला था कि होम साइंस का रिजल्ट आ गया क्या, तो जी हाँ, होम साइंस का रिजल्ट आ गया है। आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा पता चल जाएगा कि कितना परसेंट लाने पे पास हुआ है, कितना कैंडिडेट एग्जाम दिए थे और कितना नहीं दिए थे, कितना फेल हुआ है और कितना पास हुआ है। सो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ये देखिए एग्जाम रिजल्ट 2021, फर्स्ट एग्जाम BA उर्दू पार्ट वन का है, सेकेंड रिजल्ट है BA एजुकेशन पार्ट वन का, ये हो गया, और फिर BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट वन, BA JMC पार्ट वन, BA पॉलिटिकल साइंस पार्ट वन और BA टूरिज्म पार्ट वन, सब पार्ट वन का रिजल्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एग्जाम डीप लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का हर इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो आइए, BA सोशल वर्क पार्ट वन का रिजल्ट हो गया है, आ गया है, देख ले आप लोग। BA साइकोलॉजी पार्ट वन, BA हिंदी पार्ट वन, BA इकोनॉमिक्स पार्ट वन, BA फिजिक्स पार्ट वन, BSc केमिस्ट्री पार्ट वन, और भी बहुत सारा रिजल्ट दिया है। देखिए BSc हिंदी पार्ट वन, BA इकोनॉमिक्स पार्ट वन, BSc मैथ पार्ट वन, BA होम साइंस जो स्टूडेंट पूछे थे उनके लिए है, BA होम साइंस पार्ट वन का रिजल्ट आ गया है, BSc होम साइंस का भी पार्ट वन का रिजल्ट आ गया है, और फिर BSc जूलॉजी पार्ट वन का भी रिजल्ट आ गया है, BSc बॉटनी, BBA, BCom, PGDI, PR, और फिर देखिए यहाँ तक CFT का भी रिजल्ट आ गया है, सारा ये सब रिजल्ट है। तो आइए, जो मैं आपके वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। होम साइंस का रिजल्ट देखते हैं, BSc होम साइंस और BA होम साइंस का। ये देखिए BSc में, होम साइंस में देखिए, यहाँ 7 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे इसमें, मतलब एडमिट किए थे, एग्जाम नहीं सॉरी, इसमें इस फॉर्म को फिलअप किए थे, और फिर 7 स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप किए थे और 3 इसमें जो एग्जाम नहीं दे पाए, तो टोटल प्रेजेंट थे एग्जामिनेशन में 4 स्टूडेंट, और यहाँ पे पास डिक्लेयर 4 में से 2 ही जो स्टूडेंट था वो पास किए हैं और 2 फेल कर गए हैं। कैंडिडेट पास जो है उसका परसेंटेज है 50%। देखिए थोड़ा देख लेते हैं सातों कौन कौन है। फर्स्ट है सीरियल नंबर अंजलि कुमारी, परसेंटेज 64.50 है और ये फेल कर गए हैं। और फिर ये देखिए नविता कुमारी है, इन्होंने 77.50% लाए हैं और फिर ये पास कर गए हैं, और श्वेता कुमारी भी जो कि 72.50 लाए हैं और ये भी एग्जाम को पास कर गए हैं। नीचे देखते हैं इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, BSc होम साइंस ऑनर्स पार्ट वन की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए पार्ट टू में ऑनलाइन आवंटन हेतु निम्नलिखित तिथि में निर्धारित है। जो BA पार्ट वन पास कर गए हैं उनके लिए BA पार्ट टू का भी फॉर्म आ गया है, उसे भी फिलअप कर लें। देखिए यहाँ पे बिना विलंब शुल्क आपको 20 तारीख 5वां महीना 2022 से 9 तारीख 6वां महीना 2022 तक आप अगर फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपका पैसा नहीं लगेगा, अगर आप इधर थोड़ा लेट से करते हैं तो यहाँ 300 रुपया फिर 600 रुपया भी लगेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल एग्जाम डीप लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।